हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था ना, यूनिट में डिजिट्स, सिंगल डिजिट्स और टू डिजिट्स नंबर ना, ये पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर, यूनिट वन का क्वेश्चन नंबर 4। ये तो आपको आते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, बस काउंटिंग लिखना है। ओके, काउंटिंग लिख लेना बस। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है? राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है? नंबर नेम दिया हुआ है, इसको नंबर में लिखना है। ठीक है, तो पहले क्या दिया है? 126, तो 126 आ जाएगा। दूसरा क्या दिया है? 117, तो यहाँ 17 आ गया। 158, 158 लिख देंगे। ये नंबर्स नेम लिखने, हमको उसको नंबर में लिखना है। ये नेम्स दिए, इसको नंबर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नंबर आफ्टर। अब उसमें क्या करना है? जो नंबर दिया है उसके बाद, आफ्टर मीन्स बाद में जो डिजिट आती है, जो नंबर आता है वो लिखना है। तो 149 दिया है तो क्या आया? 50। 124 दिया है तो क्या आया? 125। 136 दिया है तो 137। 112 तो क्या है? 113। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नंबर बिफोर। बिफोर मीन्स बाद में, सॉरी, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर मीन्स पहले, जो पहले आएगा नंबर उसको लिखना है। 169 लिखा हुआ है, 169 से पहले क्या है? क्या आता है? 168। 178 से पहले क्या आता है? 179। 135 दिया है तो इससे पहले क्या आता है? 134। 186 दिया है तो क्या आता है? 185। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नंबर बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें क्या करना है? बिटवीन, बिटवीन मीन्स बीच में, जो ये नंबर्स दिए हैं इनके बीच में जो नंबर आएगा वो लिखना है। तो 138, 138, 140, इनके बीच में क्या आता है? 139। 196, 198, इनके बीच में क्या आता है? क्या नंबर मिस है? 197। 171, 173, तो इनके बीच में क्या आता है? 172। 153, 155, इनके बीच में क्या आता है? 154। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है हमको? एक्सपेंडेड एंड स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर्स दिए, इनको हमको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्या नंबर दिया? 143। 143 में जो 3 है वो किस प्लेस पर है? वंस पे। जो 4 है टेंस पे। जो 1 है 100। इसको कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 40 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 143। ये इसका एक्सपेंड फॉर्म है। दूसरा एग्जाम्पल और देख लो, 179। 179 में 100 की प्लेस पर है, 7 किस पर है? टेंस पे, और 9 वंस पे। तो इसको नंबर नेम में लिखेंगे 170। अगर 170 दिया तो 170 लिख देंगे। जैसे ये नंबर है 170 है। ठीक है, अब इसमें जो ये वन, जो वन है वो किस पे है? यहां से देखना स्टार्ट करेंगे। ये जीरो है वो किस पर है? वंस पे। और ये सेवन है वो किस पर है? टेंस पर। और जो ये वन, 100। कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 70 प्लस 0, तो क्या बना ये? 170। ठीक है, ऐसे करना है इसको। नेक्स्ट, ऐसे ये 143 है, इसको भी ऐसे करना है। 179, इसमें भी 9 है जो फेंस पर है, 7 है जो वो टेंस पर है, और जो 1 है 100 पर। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 1.2, गिव द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर।
ये नंबर्स दिए हैं, ये इनके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट है 136, 100 की प्लेस पर 3 टेंस पे, 6 वंस पर, 100 प्लस 30 प्लस 6, इसी तरह से सारे करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर देती हूँ। 174, उसमें वंस किस पे, 100 पर, 7 टेंस पर, 4 वंस पर, तो 100 प्लस 70 प्लस 4। फिल इन द ब्लैंक्स, 100 प्लस 20 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 129, इनको जब प्लस करेंगे तो 129 बनेगा ना। बी, 100 प्लस 30 प्लस 5 135, अब ये एक्सपेंड फॉर्म में दिया, इसको नंबर में लिखना है, तो 100 3 किस पर है, वंस पे, तो 3, 2 किस पर है, टेंस पे, तो 20, 1 किस पे है, 100 पर, तो 100 इज इक्वल्स टू 123, ऐसे ये करना है सेम। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल्ड नंबर, जिन पे सर्कल लगे हैं उनकी क्या करना है, हमें प्लेस वैल्यू पता करना है। नंबर क्या दिया हुआ है, 138, 138 में सर्कल किस पे लगा है, 1 पर, 1 किस पे, तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, देखना स्टार्ट करेंगे, वंस, टेंस, 100, यहां से स्टार्ट होता है, तो ये किस पे, 100, तो 100 लिख देंगे। ऐसे ये टेंस पे लगा हुआ है सर्कल, 8 पे सर्कल लगा है, और 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस, तो टेंस लिख देंगे। ऐसे ये 194, सर्कल 4 पे लगा है, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर, ये नंबर दिए, इनकी प्लेस वैल्यू लिखना है। 198, 8 किस पर है, वंस पर, 9 टेंस पर, 1 100 पर, तो कैसे लिखेंगे, 8 ये टेंस पर है तो 90, ये 100 पर है तो 100, सेम ऐसे इसको करना है। क्या समझेंगे अब, नंबर्स, कंपेयरिंग नंबर, इसमें क्या देखना है हमको, छोटे बड़े नंबर कौन से हैं। 200, 152, तो अब 200 और 152 में से छोटी कौन सी है, 152, बड़ी कौन सी है, 200, तो साइन किस तरफ लग गया, 200 की तरफ। इसमें क्या करना है, देखना है कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा, इधर ये दिया हुआ है 133, 164, तो 164 तो छोट, सॉरी 133 एंड 64 है, 133 बड़ा है, तो साइन इस तरफ हो गया। ठीक है, अभी 64 बड़ा है, 8 छोटा है, तो साइन इस तरफ हो गया। ये सिंगल डिजिट नंबर है, डबल डिजिट नंबर है, तो साइन इस तरफ हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3, सर्कल द बिगर नंबर, इसमें क्या करना है, जो बड़ी नंबर है, बड़ी संख्या है जो, उसमें सर्कल लगाना है, तो इधर बड़ी संख्या कौन सी है, 97, 163, तो ये 163 में सर्कल लगा देंगे। इधर 122, 137, तो 137 बड़ा है, इसमें सर्कल लगा देंगे। अब यहाँ पर 134, 98, तो 98 तो छोटा है ना, 2 डिजिट नंबर है, और ये 3 डिजिट नंबर है, तो इसमें सर्कल लगा देंगे। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, क्रॉस आउट द स्मॉलर नंबर, इसमें क्या करना है, जो छोटा नंबर है उसमें क्रॉस लगाना है। 122, 115, ठीक है, तो इसमें छोटा कौन सा है, 122 तो बड़ा हो जाएगा, 115 छोटा होता है, तो 115 पे लगा देंगे। इसमें 76, 159, तो छोटी कौन सी है, 76 पे क्रॉस लगा दिया। ऐसे ये 33, 149, तो 33 पे क्रॉस लगा दिया। 179, 40, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, तो छोटे वाला है ना 40, तो उस पर लगा दिया। ऐसे ये करना है और ये करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करना है, पुट ये साइन बने हुए ग्रेटर के इन बॉक्स, जो बड़ी डिजिट है उसमें ये ऐसे करके साइन लगाना है। 133, 122, तो बड़ा है ना है? ये 133, ये छोटा है, तो साइन इस तरफ लगा दिया। 194, 198, 94 तो छोटा होता है ना, 98 बड़ा होता है, साइन इस तरफ लगा दिया।
168, 165. तो 65 160 छोटा होता है, 178 बड़ा होता है, तो साइन इस तरफ लगा दिया।